चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में डिप्टी स्पीकर असम्बली कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। फारूक हबीब कहते हैं आइंदा 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। फवाद चौधरी बोले आइन के आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कहते हैं इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को अहदे से बरतरफ कर दिया। रहनुमा पीटीआई उमर सरफराज चीमा नए गवर्नर मुकर्रर। आमिर लियाकत ने भी हुक्मरान जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूएन मिशन कांगो में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान की शिरकत। फौजी जवानों की नमाज जनाजा चकलाला ग्रेजन में अदा कर दी गई। लंबी स्किन से बचाव की वैक्सीन की 11 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मंगवाई जाने वाली वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 40 लाख है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मवेशियों को वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स With Allstate। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का अजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। इजलास में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस भी नहीं कराई गई। अपोजिशन का सख्त शोर शराबा। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में खुद इजलास लगा लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास मुकर्रा वक्त से 38 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर ने पहले वक्फा सवाल शुरू कराया जिसमें वजीर कानून फवाद चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 7 मार्च को हमारे सफीर को तलब किया जाता है और उस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की जा रही है और पाकिस्तान से ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। हमें कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती
तो आपका अगला रास्ता सख्त होगा। इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कायदे हिजब इख्तलाफ की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई, बल्कि उन्होंने कहा कि वजीर कानून की जानिब से उठाए गए सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं। अदम एतमाद की तहरीक का आईन के मुताबिक होना जरूरी है। तहरीक अदम एतमाद के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत और खुसूसन रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि शहर इक्तदार में दफा 144 भी नाफिज है। अलावा अजीम मेट्रो बस सर्विस को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और कौमी असम्बली की तहरीक इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। अपोजिशन ने पटिशन में अदालत से इस्तेदा की है कि स्पीकर की रोलिंग ख़त्म की जाए और असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस को कलअदम करार दिया जाए। अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर स्पीकर कौमी असेंबली इजलास मुलतवी नहीं कर सकते थे। अदम एतमाद की तहरीक आइन कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदात आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदात में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। विमान की कार्रवाई सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तजवीज पर कौमी असम्बली तोड़ दी, जिसके बाद विफाकी काबीना तहलील हो गई। वजीर आजम ने कहा कि कौम आम इंतखाबात की तैयारी करे, बैरून मुल्क से प्लांट की गई साजिश नाकाम बनाने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी टीवी के जरिए कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क से प्लांट की गई साजिश को आज डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पूरी कौम परेशान थी कि गद्दारी हो रही थी। मैं उन्हें पैगाम दे रहा हूं कि इस तरह की साजिश ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। हमने आईनी ताकत इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि सदर मुमलिकत को असेंबलियां तहलील करने और नए इंतखाबात की तजवीज भेज दी है। कौम आम इंतखाबात की तैयारी करे। मुझे गुज़िश्ता रोज़ से लोग पैगामात दे रहे थे कि लोग आपसे गद्दारी कर रहे हैं और रकूमात ले रहे हैं। जिन्होंने अपोजिशन जमातों से पैसे लिए वो उन रकूमात को लंगर खानों में दे दें। दरी असना सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को असेंबली तहलील करने की समरी मौसूल हो गई, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया, जिसके बाद आइनी तौर पर अब कौमी असेंबली तहलील कर दी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी मुल्क को अनारकी में धकेल चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। ऐवान में साबित हो गया कि इमरान नियाजी हार गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, एक आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी वजीर आजम ही नहीं तो इस आइनी इख्तियार को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आइन की शिक 5 को इस्तेमाल किया गया, उसी में लिखा है कि हर सूरत आइन पर अमल किया जाएगा। शख्सी इख्तियार को गैर आइनी तूल देने के लिए आइन पर हमला किया गया। कायदे हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी मुल्क को अनारकी में धकेल चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे और मुल्क को आइन शिकनी से तहफ़ुज़ के लिए अपना आइनी फर्ज पूरा करेंगे। इमरान नियाजी अपनी शिकस्त मानने के बजाय वो कौम को तकसीम दर तकसीम करने की एक भयानक
साजिश करने में मसरूफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुझे ओहदों से कोई लगाव नहीं, मुल्क से गुर्बत का खात्मा और कानून की बालादस्ती ख्वाब थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर इत्तिलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। बाद अज़ा गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि असेंबली इजलास अपोजिशन के कहने पर नहीं बुला रहा था, हालांकि मुझे वजीर आजम ने कहा था कि 3 अप्रैल से पहले इजलास नहीं होना चाहिए। रात को मुझे कहा गया कि परवेज इलाही हार रहा है, मैं इजलास मुलतवी कर दूं। मैंने कहा कि मैं आईन और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कौमी असेंबली तहलील होने के बाद आमिर लियाकत हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आमिर लियाकत हुसैन ने कहा, ड्रामा ख़त्म होने के बाद कहना चाहता हूँ कि वजीर आजम ने जो कुछ किया साबित हो गया कि अपोजिशन जो कुछ कर रही थी दुरुस्त कर रही थी, इसलिए मैं तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। अक़वामे मुत्तहिदा मिशन कांगो में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अक़वामे मुत्तहिदा मिशन कांगो में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। पाक फौज के शोभा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक अक़वामे मुत्तहिदा हुक्काम और शहदा के अहले खाना की जानिब से भी नमाज जनाजा में शिरकत की गई। ख्याल रहे कि 29 मार्च को अफ्रीकी मुल्क कांगो में पाक फौज के एविएशन यूनिट के 6 अहलकार हेलीकॉप्टर पूमा हादसे में शहीद हो गए थे। शहीदों में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, मावन पायलट मेजर फैजान अली, नायब सूबेदार समीउल्ला खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, क्रू चीफ मोहम्मद जमीन शामिल हैं। पाक फौज के एविएशन यूनिट को अक़वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन पर सन 2011 में तैनात किया गया था। तुर्की से वैक्सीनेशन की 11 लाख खुराकें कराची पहुंच गईं, जबकि मजीद 29 लाख वैक्सीनेशन की खुराकें भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मवेशियों में फैलने वाली बीमारी लिम्पी स्किन से बचाव की वैक्सीनेशन पाकिस्तान पहुँच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से वैक्सीनेशन की 11 लाख खुराकें कराची पहुंच गईं, जबकि मजीद 29 लाख वैक्सीनेशन की खुराकें भी जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। महकमे सिंध की जानिब से मंगवाई जाने वाली वैक्सीनेशन की मजमूई तादाद 40 लाख है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मवेशियों को वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से मनसूबा बंदी की जा रही थी। लिम्पी स्किन डिजीज से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल कल से फाल कर दिया जाएगा। इस दौरान 400 डॉक्टर्स और 600 पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल टीम्स तश्कील दी जा चुकी हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला के मवेशियों में वैक्सीनेशन की जाएगी। टीम्स मवेशी अक्सरियत और कैटल फार्म्स का रुख करके वैक्सीनेशन का अमल जारी रखेगी और अगले 10 से 15 रोज में हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से अगले 8 से 9 माह में वैक्सीनेशन तैयार कर ली जाएगी। मजीद साजो सामान के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से फंड्स भी दिए गए। DG लाइव स्टॉक की जानिब से कहा गया है कि लिम्पी स्किन डिजीज़ से बचाव की वैक्सीनेशन पर काम मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत किया जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल टीम्स के जरिए जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन के हदफ को मुकम्मल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सूबे भर में अब तक 32,000 से ज्यादा मवेशी लिम्पी स्किन डिजीज का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 322 की हलाकत हो चुकी है। DG लाइव स्टॉक नजीर कुल्होड़ो के मुताबिक कराची से कश्मीर तक के मवेशियों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। टैक टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। शाहान टैक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टैग टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टैग टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टैग टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान।
कौकब फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।